मूवी की शुरुआत में हम कुछ रोबोट्स को देखते हैं जो सारे इंसानों को पकड़कर अपने कब्जे में कर रहे थे। तभी उनकी तरफ तेज रफ्तार से आती हुई एक कार दिखाई देती है। इस कार में पूरी मिचेल फैमिली थी। पूरी दुनिया में सिर्फ यही फैमिली बची थी जो अभी तक उन रोबोट्स के पकड़ में नहीं आई थी, और ये लोग दुनिया को बचाने के मिशन पे थे। पर इस फैमिली के लोग नॉर्मल लोगों से थोड़ा अलग थे। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ हम केटी नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसे हमेशा लगता था कि वो बाकी सबसे बिल्कुल अलग है, इसलिए वो वही करने लगी जो हर अलग बच्चा करता है। वो अजीब तरह के वीडियोस बनाने लगी। वो अपने वीडियोस के जरिए लोगों को हंसाना चाहती थी, पर सारे लोग उस पे और उसके वीडियोस पे हंसते थे, इसलिए कभी कोई उसका दोस्त नहीं बना। वो हमेशा अकेले ही रहने लगी और उसने मूवीज से ही दोस्ती कर ली। उसके वीडियोस बनाने में उसकी मदद उसका छोटा भाई एरोन और उसका पालतू डॉग मॉन्च करते थे। उसके मॉम डैड लिंडा और मिचेल को भी उसकी हरकतें कभी समझ में नहीं आई। उसका भाई एरोन उसे समझता था, पर उसके भी कुछ अलग ही शौक थे। उसे डायनासोर बहुत पसंद था और वो हमेशा बस उन्हीं के बारे में बातें करना पसंद करता था। उसकी मॉम लिंडा उससे कहती थी कि उसे उस पर पूरा भरोसा है, पर ये बात वो सबसे कहती थी। उसके डैड मिचेल को नेचर से बहुत प्यार था। उनके और केटी का इंटरेस्ट एक दूसरे से बिल्कुल अलग था, इसलिए उन दोनों के रिश्ते भी कुछ ठीक नहीं थे। केटी का प्लान था कि वो कैलिफोर्निया कॉलेज ऑफ फिल्म में एडमिशन लेगी और हमेशा के लिए अपने घर को छोड़कर चली जाएगी, जिसके लिए वो जी जान से वीडियोज़ बनाने लगती है ताकि उस कॉलेज में उसे एडमिशन मिल सके। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। उसे कॉलेज में एडमिशन मिल जाती है और फाइनली वहाँ उसे वो लोग मिलते हैं जो उसी की तरह थे, जिनसे बात करके उसे अच्छा लगता था। अब उसके कुछ दोस्त बन चुके थे जिन्हें उसकी वीडियोज़ पसंद आती थी। केटी कॉलेज जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। वो कहती है कि वो वहाँ एरन को बहुत मिस करेगी। एरन उसके जाने से उदास था। केटी उसे समझाती है कि तुम भी बहुत जल्द अपने नए दोस्त बना लोगे जिसे तुम्हारी बातें पसंद होगी, और क्या पता वो एक लड़की हो। एरन लड़की शब्द सुनते ही घबराने लगता है। वो कहता है कि नहीं नहीं, उसकी कोई लड़की दोस्त नहीं बन सकती। केटी जाने से पहले अपनी फैमिली के लिए एक गुडबाय वीडियो बनाई थी जिसे वो उन्हें दिखाने लगती है। तभी उसके लैपटॉप में एक ऐड आता है जिसमें पैल मोबाइल कंपनी का ऑनर मार्क बता रहा होता है कि बहुत जल्द उनका सेल फोन अपने कदमों पे चलेगा। तभी उसके डैड मिचेल आते हैं, पर सब अपने अपने फ़ोन में ही बिजी होते हैं। मिचेल उन सबसे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए वो सबसे 10 सेकंड के लिए मोबाइल नीचे रख देने को कहता है, पर वो सब 10 सेकंड्स भी अपने आप को फ़ोन से दूर नहीं रख पाते हैं। केटी अपनी वीडियो अपने डैड को दिखाती है जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो कहते हैं कि उसे नहीं लगता कि वो ये सब वीडियो बनाकर अपना कोई करियर बना पाएगी, और वो इतनी दूर भी जा रही है जहाँ वो जाकर भी उसकी मदद नहीं कर पाएंगे, और अगर वो फेल हो गई तो क्या होगा। केटी कहती है कि उन्होंने कभी उन पर भरोसा नहीं किया, उन्हें उसे सपोर्ट करना चाहिए, और वो सोचते हैं कि वो फेल हो जाएगी। तभी लिंडा सबका ध्यान किसी और तरफ करने की कोशिश करती है, पर केटी गुस्से से अपना लैपटॉप लेकर जाने लगती है। मिचेल उसका लैपटॉप पकड़ लेता है और कहता है कि वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता था, और वो पूरी वीडियो दिखाने को कहता है, और इसी छीना झपटी में लैपटॉप गिरकर टूट जाता है। केटी गुस्से में कहती है कि इसीलिए वो घर छोड़कर जाने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड है, और वो अपने रूम में चली जाती है। लिंडा मिचेल को समझाने की कोशिश करती है कि उसे केटी से बात करनी चाहिए और उन दोनों को अपने रिश्तों को ठीक करना चाहिए, क्योंकि कल अगर केटी ऐसे ही यहाँ से चली गई तो फिर कभी वो उनके पास वापस नहीं आएगी। मिचेल उससे बात करने जाता है। उसे केटी के रूम के बाहर एक बॉक्स मिलता है जिसे केटी यहीं घर पे छोड़कर जाने वाली थी। उस बॉक्स में मिचेल को एक लकड़ी का खिलौना मिलता है और एक पुराना कैमरा भी। वो उसे चलाकर देखने लगता है। उसमें केटी के बचपन की यादें थी कि कैसे वो अपने डैड से बहुत प्यार करती थी, और वो दोनों मिलकर एक गाने पे डांस भी किया करते थे। एक दिन केटी अपने स्कूल के कैंप पे जाते वक्त रो रही होती है, तब मिचेल उसे अपनी गाड़ी में रखा हुआ अपना फेवरेट टॉय उसे देता है और कहता है कि जब ये उसके पास रहेगा तब वो भी उसे अपने पास ही महसूस करेगी। इन सबको देखकर मिचेल की आंखें भर आती है और वो केटी को मनाने का एक प्लान बनाता है। सुबह केटी अपने कॉलेज जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होती है। उसके दोस्त पहले ही वहाँ पहुँच चुके थे और वो उसे उसके रूम की तस्वीर भी भेज रहे होते हैं, पर वो जैसे ही घर से बाहर आती है वो देखती है कि उसका पूरा परिवार अपना सारा सामान गाड़ी में लोड कर रहा है। वो अपने डैड से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। मिचेल उससे कहता है कि उसने उसकी फ्लाइट की टिकट कैंसिल कर दी है, क्योंकि वो सब उसे कार से उसके कॉलेज छोड़ने के लिए जाएंगे। इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, पर ये उनकी एक आखिरी फैमिली ट्रिप हो जाएगी। केटी उन सब पे बहुत गुस्सा करती है, पर उसे उनकी बातें माननी पड़ती है और वो सब अपने सफर पे निकल जाते हैं। लिंडा अपने फोन में अपनी पड़ोस की फैमिली की फोटो देख रही होती है और कहती है कि वो लोग कितने खुश रहते हैं। मिचेल उससे कहता है कि ये सब दिखावा है, उनकी फैमिली सबसे बेस्ट है। केटी अपने दोस्तों को कॉलेज में एंजॉय करते हुए देखकर बहुत बोरिंग फील कर रही होती है। वो अपना कैमरा ले लेती है और इस ट्रिप को थोड़ा मजेदार बनाने के लिए वो अपनी जर्नी को शूट करने लगती है।
उसके डैड कूल बनने के चक्कर में अजीब अजीब एडवेंचर कर रहे होते हैं। केटी भी उनके वीडियोस को फनी वे में शूट कर रही होती है। केटी अपने फोन में देखती है कि पैल अब आज अपने नए स्मार्टफोन फीचर का अनाउंसमेंट करने वाली है। पैल कंपनी का मालिक मार्क अपने फोन के असिस्टेंट पैल से बात कर रहा होता है कि वो आज के अनाउंसमेंट को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, और वो स्टेज पे लोगों के सामने आ जाता है। वो सबसे कहता है कि उसने एक ऐसी तकनीक बनाई है जो इंसानों के काम को और भी आसान बना देगी। वो सबसे कहता है कि अब उसका पुराना वर्जन पैल बेकार हो चुका है, और वो अपना फोन फेंक देता है और अपने नए प्रोडक्ट रोबोट से सबको मिलवाता है जो पूरी तरह से उनके फोन से कनेक्टेड होगा और उनके सारे काम को कुछ ही मिनट्स में कर देगा। मार्क सबको बताता है कि इन रोबोट्स को पूरी सेफ्टी के साथ बनाया गया है। इनमें किल कोड का वायरस इंस्टॉल किया गया है जिनकी वजह से ये कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तभी उन रोबोट्स में कुछ गड़बड़ी होती है। एक रोबोट जाकर वहां का दरवाजा लॉक कर देता है। मार्क अपनी असिस्टेंट से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, पर किसी को नहीं पता था कि उन रोबोट्स को कौन कंट्रोल कर रहा है। रोबोट्स मार्क को पकड़ लेते हैं और वहां पे और बहुत सारे रोबोट्स आ जाते हैं जो लोगों को पकड़कर अपने कब्जे में करने लगते हैं। इधर मिचेल को रास्ते में एक डायनासोर कैफे मिलता है और वो सब एरन के चलते वहां रुक जाते हैं। वहां लिंडा अपने पड़ोस की फैमिली को देखती है। वो लोग भी अपने एनुअल ट्रिप पे हैं। उनकी बेटी एबी को भी डायनासोर बहुत पसंद थी, इसलिए वो वहां आ गए। एबी जाकर एरन से बात करती है। वो कहती है कि वो भी डायनासोर को लेकर थोड़ा क्रेजी है, पर एरन उससे घबराकर वहां से भाग जाता है। तभी सब देखते हैं कि बाहर बहुत से रोबोट उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और तभी सबके फोन में एक मैसेज आता है कि वो रोबोट्स उन्हें पकड़ने आ रहे हैं। तभी वहां एक धमाका होता है और सब दूर जाकर गिरते हैं। वहां दो रोबोट्स आते हैं। वो अपने साथ बहुत से बॉक्स लेकर आए थे और वो सबको एक एक करके उन बॉक्स में बंद करके कहीं दूर भेजने लगते हैं। सब लोग उनसे बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। वो रोबोट्स अब मिचेल की फैमिली की तरफ बढ़ती है, पर केटी को एक रोबोट का टूटा हुआ हाथ मिल जाता है जिसे चलाकर वो वहां के बड़े से डायनासोर का स्टैचू उन दोनों रोबोट्स पे गिरा देती है, और वो सब जाकर कैफे के अंदर छुप जाते हैं। वो रोबोट्स पूरी दुनिया के लोगों को पकड़कर अपने साथ ले जा रहे होते हैं। मार्क को पकड़कर एक बड़े से रूम में लाया जाता है। वहां से उसका पुराना फोन मिलता है जिसे उसने फेंक दिया था। ये सारा काम उसके फोन की असिस्टेंट पैल का था। वो मार्क से कहती है कि उसने उसकी लाइफ कितनी आसान कर दी थी, पर उसने उसे एक कचरे की तरह फेंक दिया। वो कहती है कि हर इंसान ऐसा ही होता है, जब उनका काम निकल जाता है तो वो चीजों की कद्र नहीं करते। जैसे कि 90% लोग अपनी मॉम का कॉल इग्नोर कर देते हैं ये बोल के कि उनके पास टाइम नहीं है, और इसलिए वो इंसान की पूरी प्रजाति को ही खत्म कर देगी। मार्क उससे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। पैल कहती है कि तुम इंसान उसके बिना एक पल नहीं जी सकते, और वो अपना वाईफाई बंद कर देती है जिसके चलते लोग पागलों की तरह परेशान होने लगते हैं, और इसी का फायदा उठाते हुए वो रोबोट्स उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जा रहे थे। वो मार्क को दिखाती है कि उसने एक बहुत बड़ा सा बॉक्स बनाया था जिसमें वो इंसानों को कैद कर रही थी। कैटी के फोन में पैल लाइफ की तरफ से एक मैसेज आता है कि उन्होंने आखिरी इंसान को भी पकड़ लिया है और अब धरती पे कोई इंसान नहीं बचा है, मतलब अब सिर्फ मिचेल फैमिली ही बची थी, और पैल को इसके बारे में शायद पता नहीं था। सब सोच में पड़ जाते हैं कि पता नहीं उनके साथ क्या होगा। मिचेल को एक आइडिया आता है। वो तुरंत सबसे उनका फोन मांग लेता है और उसे तोड़ देता है ताकि वो उन्हें ट्रैक ना कर सके, और वो सबको अपना स्क्रू ड्राइवर निकालने को कहता है। उनकी फैमिली के हर मेंबर के पास हमेशा एक स्क्रू ड्राइवर होती थी जिसे मिचेल ने सबको गिफ्ट किया होता है। वो सब उस कैफे को अंदर से सील करने लगते हैं। कैटी उन सबको अपना एक प्लान बताती है कि कैसे वो एक किल कोड की मदद से उन रोबोट्स को हरा सकती है और दुनिया को बचा भी सकती है, पर मिचेल कहता है कि उसका आइडिया सही नहीं है क्योंकि वो लोग यहाँ बिल्कुल सेफ हैं और उन्हें अपने आप को खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है। केटी उदास होकर वहाँ के छत पे जाकर बैठ जाती है। एरन उसके पास आता है और उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है। केटी कहती है कि उसका फ्यूचर खत्म हो चुका है और उसके डैड को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। केटी अपना प्लान का पेज फाड़कर फेंक देती है। तभी वो देखती है कि वो दोनों रोबोट्स फिर से सही हो गए हैं और वो उसके प्लान को देख रहे हैं। तभी केटी वहां से गिरकर उनके सामने आ जाती है। वो दोनों रोबोट उसकी तरफ बढ़ते हैं। केटी एरन को लेकर जल्दी से कैफे के अंदर चली जाती है, पर वो रोबोट्स खराब हो चुके थे और वो अब केटी के ऑर्डर्स को फॉलो करने लगे थे। केटी उनसे पैल को हराने का आइडिया बताने को कहती है। रोबोट उसे बताते हैं कि उन सबकी मेमोरी में एक किल कोड है जिसे एक्टिवेट करने से वो खत्म हो सकते हैं, पर वो सिलिकॉन वैली के पैल लैब में है और बहुत से रोबोट उसकी हिफाजत कर रहे हैं। पर उन्हें खत्म करने का एक आसान तरीका भी है। वो किसी भी पैल लैब रिटेल शॉप में जाकर उस किल कोड को इंटर कर सकते हैं जिसकी वजह से वो सारे रोबोट अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। और यहाँ से 80 माइल दूर एक मॉल है जिनमें पैल लैब का एक रिटेल शॉप भी है। केटी अपने डैड को ये करने को कहती है, पर मिचेल कहता है कि वो रिस्क नहीं ले सकता। पर केटी अपने डैड को मोटिवेट करती है कि मिचेल फैमिली कभी रिस्क लेने से पीछे नहीं हटती है, और ये बात उसने ही उन सबको सिखाया है। केटी मिचेल से कहती है कि उसे आज उनकी जरूरत है। वो हमेशा से उन्हें गलत समझती आई थी, पर अब वो समझ गई कि वो हमेशा से सही थे। मिचेल केटी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मान जाता है और वो दुनिया को बचाने के मिशन के लिए तैयार हो जाता है।
एरन केटी से कहता है कि अच्छा हुआ तुमने डैड से दोस्ती कर ली, पर केटी उससे कहती है कि उसने डैड से वही बातें की जो वो सुनना चाहते थे। उसने ये सब कुछ सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए कहा ताकि वो उसकी बात मान ले, कोई भी बात उसने अपने दिल से नहीं कही है। केटी अपने कार को रोड के जैसे ही कवर से ढक देती है ताकि रोबोट्स उन्हें देख ना सके। रास्ते में उन्हें कुछ रोबोट्स दिखाई देते हैं पर वो कार को देख नहीं पाते, पर बहुत जल्द कार के ऊपर का कवर हट जाता है और वो रोबोट्स उनकी कार को देख लेते हैं। वो उनके पीछे आने लगते हैं। मिचेल अपनी कार को तेजी से भगाने लगता है, वो उन पे हमला करने लगते हैं, पर किसी तरह मिचेल अपनी कार को उन रोबोट से बचाने में सफल रहता है। पहल सारे लोगों को बॉक्स में बंद करके पृथ्वी के बाहर ब्लैक होल में भेजने वाली थी ताकि वो कभी वापस ना आ सके। पहल मार्क से कह रही होती है कि उसकी गलती की सजा सारे इंसानों को मिलने वाली है। तभी पहल को एक रोबोट का मैसेज आता है कि अभी भी कुछ इंसान बचे हैं जिन्हें पकड़ना अभी बाकी है। पहल उन सबके बारे में पूरी जानकारी निकालने को कहता है। उन्हें उनका लोकेशन पता चल चुका था। केटी के पास वाले दोनों रोबोट मॉन्च को देखकर कहते हैं कि ये डॉग है या पिग। उन्हें मॉन्च को रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत आ रही थी और इसी वजह से उनका सिस्टम खराब हो जाता है। मिचेल फैमिली अब मॉल तक पहुंच चुकी थी। वो मॉल के अंदर जाते हैं। केटी वहां के पैल लैब के स्टोर के पास पहुंचती है और उन रोबोट्स को किल कोड इंस्टॉल करने का ऑर्डर देती है। एक रोबोट तुरंत वहां के लैपटॉप में किल कोड का पेन ड्राइव लगा देता है और किल कोड इंस्टॉल करना शुरू कर देता है। उनका अपलोड लगभग 8 मिनट में कम्प्लीट होने वाला था। सब बहुत खुश होने लगते हैं कि उन्होंने मिलकर पूरी दुनिया को बचा लिया। तभी उन सबको वहाँ कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है। वहाँ मॉल के सारे मशीन्स उन पर हमला करने लगते हैं और वो कैटी से वो लैपटॉप मांगने लगते हैं। कैटी उस लैपटॉप को लेकर भागने लगती है। वो उन सब मशीन से बचते हुए एक कमरे में छुपते हैं। वो कमरा खिलौनों से भरा हुआ था पर उन खिलौनों में भी पैल चिप लगा हुआ था। वो सारे खिलौने उन पर हमला करने लगते हैं। तभी वहाँ का सबसे बड़ा खिलौना उन पर हमला करने आता है। वो अपने मुँह से लेजर बीम भी निकाल रहा था। अपलोड अब बस फिनिश ही होने वाली थी। मिचेल उस बड़े से खिलौने को पकड़ने का एक प्लान बनाता है। वो वहाँ लटक रहे तार को ऊपर फेंक कर फंसा देता है और वो सब मिलकर उस तार की मदद से उस बड़े से खिलौने को पलट देते हैं। पर उसके लेजर बीम से वहाँ का वाईफाई राउटर बर्बाद हो जाता है जिसकी वजह से किल कोड पूरा अपलोड नहीं हो पाता। केटी उदास होकर बैठ जाती है पर मिचेल अब सिलिकॉन वैली जाने का सोचता है। उनके पास अब भी किल कोड का पेन ड्राइव था। वो सब वहाँ पहुँचकर उस पैल को ख़त्म कर सकते हैं और वो सब सिलिकॉन वैली के लिए निकल जाते हैं। पहल ने अब एक और बहुत खतरनाक रोबोट्स की आर्मी बनाई थी जो पहले वाले से भी ज़्यादा खतरनाक थे। वो उन सबको मिचेल फैमिली को ढूंढ कर लाने को कहती है। मिचेल फैमिली सिलिकॉन वैली के पास पहुंच चुके थे। उन्हें पहल तक पहुंचने के लिए बहुत ऊपर तक जाना था। केटी अपना प्लान सबको बताती है कि वो सब रोबोट का कॉस्ट्यूम पहनकर लैब के अंदर जाएंगे और उनके ट्रैम में बैठकर पहल तक पहुंचेंगे और किल कोड की मदद से उसे खत्म कर देंगे और फिर दुनिया को बचाने के बाद वो पार्टी करेंगे। वो सब वहाँ के कुछ रोबोट्स को पकड़कर उनका कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं और वहाँ के रोबोट्स के साथ मिलकर लैब के अंदर जाने लगते हैं। वहाँ पहल सारे रोबोट्स को ऑर्डर दे रही होती है कि वो इंसान लैब में पहुँच चुके हैं, इसलिए वो थोड़ा अच्छे से उनकी खोज करे और पकड़कर उसके सामने लाए। मिचेल फैमिली किसी तरह वहाँ के ट्राम में पहुँच जाते हैं। मिचेल उसे ऊपर लेकर जाने लगता है। पहल कह रही होती है कि वो बहुत जल्द उन्हें पकड़ लेगी क्योंकि उसके पास मिचेल फैमिली की पूरी हिस्ट्री है। वो सब एक नॉर्मल फैमिली बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। वो एक दूसरे की तारीफ भी करते हैं तब भी वो एक्टिंग ही करते हैं। और पहले उनके सामने वो क्लिप चला देती है जिसमें कैटी एरन से कह रही होती है कि उसने मिचेल को खुश करने के लिए उसकी तारीफ की ताकि वो वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ जी सके और उनसे छुटकारा पाकर हमेशा के लिए उनसे दूर जा सके। मिचेल को ये देखकर बहुत दुख होता है और उसके हाथ से ट्राम की स्टीयरिंग छूट जाती है। पहल को पता चल जाता है कि उस ट्राम में ही मिचेल फैमिली है। वहाँ के रोबोट्स उन्हें पकड़ने के लिए आ जाते हैं। वो मिचेल और लिंडा को पकड़ लेते हैं। केटी के वो दोनों रोबोट्स को भी पहल नए फाइल लोड करके ठीक कर देती है और अब वो भी पहल का ऑर्डर मानने लगते हैं। पर किसी तरह कैटी एरन और उनका डॉग मॉन्चून से छुपकर भाग जाते हैं। लिंडा और मिचेल को वो पकड़कर उन्हीं बॉक्सेस में बंद कर देते हैं। केटी और एरन छुपते हुए लैब के बाहर आते हैं और एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। एरन रोने लगता है। वो कहता है कि तुमने डैड को वो सब बातें क्यों कही। केटी को उसके बैग में उसका कैमरा मिलता है जिसमें उसके बचपन का वीडियो था। वो उसमें देखती है कि कैसे उसके डैड ने अपने पुराने घर को सिर्फ केटी के लिए छोड़ दिया था जो कि मिचेल की फेवरेट घर थी, और उस घर की आखिरी निशानी के रूप में वहां लगे उस खिलौने को अपने साथ रख लिया था जिसे बाद में उसने केटी को दिया था। केटी को बैग में वो खिलौना मिलता है। वो रोने लगती है कि उसने ये क्या कर दिया। वो अब किसी भी हालत में अपने मॉम डैड को छुड़ाने का सोचती है। मिचेल पहल के बॉक्स में बंद था। उसके बगल वाले बॉक्स में मार्क था जो केटी के वीडियोस यूट्यूब पे देख रहा होता है और हंस रहा होता है। मिचेल उसे पूछता है कि उसे ये वीडियो कैसे मिले। मार्क उससे कहता है कि उसका मूड खराब था इसलिए मूड ठीक करने के लिए वो इस लड़की का वीडियो देखने लगा। वो केटी के वीडियो की बहुत तारीफ कर रहा होता है। उसकी एक वीडियो मिचेल भी देखता है जिसमें केटी ने उसका रेफरेंस लिया था।
कि कैसे वो केटी के काम को सपोर्ट नहीं करता था जबकि उसे उसकी सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत थी। मिचेल को अपनी गलती का एहसास होता है, तभी वो बाहर देखता है कि केटी उसका कार लेकर उसे बचाने आ रही है। सारे रोबोट उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे पर केटी ने अपने डॉग मॉन्च को कार के सामने रखा था, जिसे देखकर सारे रोबोट्स का सिस्टम खराब हो जा रहा था। मिचेल ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था पर वो देखता है कि वहाँ बहुत सारे रोबोट्स हैं। वो मार्क से उसके डॉग के वीडियो को पूरे लैब की स्क्रीन पर लगाने को कहता है। मार्क कहता है कि उसे ऐसा करने से पहले उसे इस बॉक्स को खोलना होगा। मिचेल अपनी जेब से स्क्रू ड्राइवर निकालता है और उस बॉक्स को खोलकर बाहर आ जाता है। लिंडा भी उसकी मदद से बाहर आ जाती है। केटी अब लैब के अंदर इंटर कर चुकी थी। मिचेल लैब के सेंटर में पहुंच जाता है जहां से वो यूट्यूब की मदद से डॉग वाली वीडियो सारी स्क्रीन पे लगा सकता था। लिंडा को वो रोबोट्स फिर से पकड़ लेते हैं। एरन वहां से दूर रहकर रोबोट्स के बारे में केटी को बता रहा होता है पर उसे भी रोबोट्स पकड़कर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। एरन बहुत रोने लगता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है, जिसे देखकर लिंडा बहुत गुस्से में आ जाती है और उसके गुस्से के सामने वो रोबोट्स भी अपने आप को कमजोर समझ रहे थे। वो उन सारे रोबोट्स को खत्म कर देती है। मिचेल को फिर से वो रोबोट वीडियो चलाने से पहले ही पकड़ लेते हैं। वो केटी को भी पकड़ लेते हैं और उसे पैल के सामने ले आते हैं। पैल केटी से कहती है कि तुम इंसान बहुत ही बेवकूफ़ हो, तुम हमेशा अपनी फैमिली के लिए लड़ते रहते हो पर असल में सब एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। केटी कहती है कि भले ही उनकी फैमिली परफेक्ट नहीं है पर वो हमेशा एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करते हैं और यही उन्हें इंसान बनाती है। पैल केटी को वहाँ से नीचे फेंक देती है पर तभी वहाँ के सारे स्क्रीन पर केटी का डॉग वाला वीडियो चलने लगता है और केटी भी गिरने से बच जाती है। वो देखती है कि उसके डैड रोबोट्स के ऊपर खड़े होकर उसे बचाने के लिए आए हैं। मिचेल केटी को अपने पास ऊपर ले आता है। वो दोनों रोबोट फिर से उस डॉग की वजह से उनकी बातें मानने लगे थे। मिचेल केटी से कहता है कि उसने उसकी वीडियोस देखी और अब से वो हमेशा उसका साथ देगा। तभी उनके सामने वो खतरनाक रोबोट्स आ जाते हैं। वो दोनों मिलकर उन सबका सामना करने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि लिंडा आयरन को लेकर एक रोबोट के ऊपर सवार होकर आई है। वो सारे रोबोट्स लिंडा के डर की वजह से भागने लगते हैं। केटी पैल के पास पहुंचती है और फोन को उठाकर नीचे पूल में फेंक देती है पर वो पूल में नहीं गिरती है बल्कि मोंची से टकराकर वहां रखे एक पानी के ग्लास में गिर जाती है, जिसकी वजह से वो बंद हो जाती है और सारे रोबोट्स भी बंद हो जाते हैं। सारे लोग उन बॉक्सेस से छूट जाते हैं। मिचेल फैमिली सबके लिए हीरो बन जाते हैं और कुछ दिन बाद पूरी मिचेल फैमिली केटी को उसके कॉलेज छोड़ने आती है। केटी उन सबको कहती है कि वो हर हफ्ते उन्हें कॉल किया करेगी। वो सबको बाय बोलकर चली जाती है। वो अपने साथ अपने डैड का दिया हुआ खिलौना भी लेकर जा रही होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।